क्या आपने कभी सोचा है कि पहले जमाने के बड़े बड़े दांत वाले हाथी अब धीरे धीरे विलुप्त क्यों हो रहे हैं? आखिर इसका वजह क्या है? वेल, दोस्तों, हाथी हम इंसान का जितना कहर झेला है उतना अन्य जानवर नहीं झेला होगा। प्राचीन समय में भी हाथियों को युद्ध के लिए भारी मात्रा में शामिल किया जाता था, जहां हजारों हाथियां अपना जान कुर्बान कर देते थे सिर्फ इंसान के भले के लिए। लेकिन इसके लिए इन बेजुबान हाथियों को इंसानों ने क्या दिया? सिर्फ दर्द भरा जिंदगी और कुछ भी नहीं। 1989 से पहले हर साल 30,000 से भी ज्यादा हाथियों को मारकर हाथियों का दांत निकालकर इंसानों ने बाजारों में बेचने लगे। इस मामले में सबसे आगे चाइना था। हालांकि 1989 में पूरी दुनिया में हाथी के दांत के खरीद पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था, लेकिन तब तक इंसान हैवान बन चुका था और हाथियों का दांत बेचने का आदत बन गया था और आज भी जंगल में हाथियों का लाश देखा जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बेजुबान जानवर भी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन इंसान बिना दांत वाले हाथी को नहीं मारते थे, जिसके कारण बिना दांत वाले हाथियों का जनसंख्या बढ़ने लगा और आज हमें ज्यादातर बिना दांत वाले हाथी देखने को मिलता है, क्योंकि दांत वाले हाथी को कुछ चंद पैसे के लिए इंसानों ने बर्बाद कर दिया।